गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। पोइट्री सेक्शन हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में। आज जो पोएम हम पढ़ेंगे उसकी डिटेल समरी हमने पढ़ी। पोएम है द रोड नोट टेकन। पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नोट टेकन एंड इट इज़ रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अमेरिकन पोइट है, बहुत ही फेमस पोइट है, बहुत ही जान पहचान है इसकी। ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं ये 1916 में प्रकाशित की गई, और ये जो पोएम है बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है, प्रतीकात्मक पोएम है। और इस पोएम से जो हमें सीखने को मिलता है, जो देखने को मिलेगा, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड रहेगा। देखिए, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, जो टाइटल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, द रोड नोट टेकन। ये पोएम जो है दिखने में बड़ी सिंपल दिखाई दे रही है, टाइटल बड़ा ही सिंपल, द रोड नोट टेकन, जो रास्ता नहीं लिया जाता, जिस रास्ते पर नहीं चला जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है रोड, रोड जो रिलेटेड है वो लाइफ से रिलेटेड है। यानी कि कई बार हमारे सामने सिचुएशन इस प्रकार क्रिएट होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम किस कार्य को करें, किस कार्य को न करें, कौन सा ऑप्शन हमारे सामने बेस्ट रहेगा, यानी कि किस मेथड से, किस तरीके से हम किसी कार्य को करें। तो आइए आज हम डिटेल्स स्टेंजा वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिटरेरी डिवाइस इसमें देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पॉइंट पुटअप कर सकता है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, टू रोड्स डाइवर्ट्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा, आपने समझा कि पोइट एक सीन क्रिएट कर रहा है, और सीन कहाँ है, जंगल का। जंगल में वो एक रास्ते पर जा रहा है, और जिस रास्ते पर जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक सिचुएशन बनती है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो रास्ता है वो दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है, और उस रास्ते पर पत्ते गिरे हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब वहाँ पर जाकर वो विचार विमर्श करने लगता है, अपने आप से बात करना स्टार्ट करता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो रास्ता उसको दो रास्तों की तरफ डाइवर्ट करता हुआ प्रतीत होता है, वो रास्ता आगे चलकर दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट। अब पॉइंट के सामने द्विविधा है कि वो उस रास्ते पर आगे कैसे बढ़े, यानी कि दो साइड में रास्ता डिवाइड हो रहा है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वहाँ पर रुक कर वो सोचने लगता है कि वो किस रास्ते पर चले, किस रास्ते पर जाए, और एक रास्ते की तरफ उसकी नज़र जाती है, दो रास्ते जो होते हैं, और उसकी नज़र जहाँ तक जाती है वो रास्ता उसको झाड़ियों में गुम होता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जिस सड़क की तरफ वो नज़र करता है उस सड़क में अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ होता है बुशीज, और वुड, वुड होता है जंगल, येलो पीले, यानी कि जो बसंत ऋतु है उसमें जो पेड़ हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं और वो पीले होते हैं। तो जो रास्ता है वो गुम होता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि पोइट के सामने क्या सिचुएशन है, यहाँ पर जो पोइट हमें बताना चाह रहा है वो ये है कि अचानक से उसके सामने घटना घटित होती है, जो रास्ता है वो दो भागों में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पोइट आगे नहीं बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि उसके सामने सिचुएशन इस प्रकार की है कि वो चले तो किस रास्ते पर चले। उसी प्रकार से हमारे लाइफ के अंदर कई बार जटिलताएं आती हैं, कई बार समस्याएं आती हैं, कई बार ऑप्शन आते हैं कि भाई किस प्रकार से हम उस कार्य को कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। यानी कि जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है विकल्प की, वो है द्विविधा की, कि उस द्विविधा से हम अपने आप को कैसे बाहर निकालें। डिसीजन पे हमें पहुंचना होता है और उसका जो परिणाम है वो आगे जाके हमें भुगतना होता है। यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट है वो टकटकी लगा के देख रहा है, उस सड़क को वो निहार रहा है, उस बिंदु तक देखता रहता है जहाँ तक एक जो सड़क है जिस पर उसकी नज़र गई पहले वो झाड़ियों में गुम नहीं हो जाती है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा हमने समझने का प्रयास किया, एक सीन है, सीन में पोइट जंगल से गुजर रहा है और उसके सामने किस प्रकार की सिचुएशन होती है। इसमें जो लिटरेरी
डिवोइस हमें देखने को मिलेगी, हम पढ़ेंगे नीचे। इसमें सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म चॉइस इन आवर लाइफ, यानी कि जो डिसीजन हम लेते हैं उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस ये प्रतीकात्मक पोएम है, यानी कि जो रस्ते हैं वो प्रतीक हैं किसके, सिंबल के रूप में लाइफ से संबंधित। तो सिंबोलिज्म है इसमें। इसमें रेम है, रेम हम देख रहे हैं, वुड, वुड को हम ए मानते हैं, स्टूड, वुड स्टूड, ए कुड, वुड कुड ए, और अंडरग्रोथ बी। तो देखिए ए वुड बहुत अलग साउंड आ रही है, बी स्टूड मैच कर रहा है ऐसे, तो ए कुड मैच कर रहा है बहुत से, तो बी ए। तो जो रेम बनेगी इसकी वो हो जाएगी ए बी ए ए बी। आगे देखिए, इसमें जो हमें मिल रहा है एनेफोबिया, एनाफोरिया मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स रिपीटेड वर्ड। देखिए यहाँ पर प्रत्येक लाइन में हमें एंड एंड एंड, तो ये क्या है, एनोफोबिया। हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रत्येक स्टेंजे में क्या क्या था। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सिंबॉलिक पोएम है, सिंबोलिज्म है इसमें। इसमें रेम है ए बी ए ए बी। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टेंजा सेकंड। तो इसमें देखिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फार। फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा कि पोइट द्विविधा में असमंजस में है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन अगले स्टेंजे में हम पढ़ पा रहे हैं देन टुक द अदर, पोइट ने जस्ट तुरंत देखा, डिसीजन लिया, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी कि पोइट एक रास्ते पर आगे बढ़ता है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो दावा करता है। क्लेम, क्लेम क्या होता है, दावा, इट मीन्स डिमांड। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट दी शेम। कुछ देर तक असमंजस की स्थिति में रहने के बाद, झिझकने के बाद, सोचने के बाद, पोइट एक डिसीजन पर पहुंचता है कि वह पहली सड़क की बजाय दूसरी सड़क पर चलेगा, और उसके सामने जो अल्टरनेट है, उसके सामने जो द्विविध है, उसको वो ध्यान में रखते हुए दूसरी सड़क पर चलने का डिसीजन लेता है। और बिकॉज इट वॉज ग्रासी, और जो वो सड़क है वो घास युक्त है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं गुजरा है, और वो वैसे की वैसी है, कदमों के निशान उस पर नहीं है, वो जो घास है वो घिसी हुई नहीं है। दो एज फॉर दैट दी पासिंग देयर हैड वॉर्म देम रियली अबाउट दी शेम, लेकिन एक बिंदु तक दोनों सड़कें लगभग समान दिखाई देती, यानी कि उसकी जो नज़र है जहाँ तक जाती है, दोनों जो सड़कें हैं वो समान प्रतीत होती हैं। पोइट के सामने द्विविधा है। तो यहाँ से हमें जो समझने को मिल रहा है वो ये बताता है कि हमें जो डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके जो परिणाम हैं वो हमें फ्यूचर में भुगतने पड़ेंगे, यानी कि दो रास्तों में से पोइट को एक रास्ता तो चूज करना ही पड़ेगा। तो जिस रास्ते पर वो जाता है उसके बारे में वो सोच रहा है कि ये जो रास्ता मैंने चूज किया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है पहले वाले से। तो यहाँ पर कंपेरिजन है। तो यहाँ पर जो है रेम वो सेम है, ए बी ए ए बी, फेयर वियर देयर क्लेम शेम। तो ये ए हो गए, ये बी हो गए, ए ए बी। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा हमने पढ़ा और समझने का प्रयास किया कि इसमें क्या बताया गया है। अब देखिए थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट दी फर्स्ट फॉर अनोदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन। लीड्स ऑन, गुजर जाना, रास्ता, गो के स्थान पे हम लीड्स ऑन का यूज करते हैं, ये नोट करना है, इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो देखिए थर्ड जो स्टेंजा है उसमें जो पॉइंट हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है कि दोनों जो सड़कें, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि सुबह का समय है,
दोनों जो रास्ते हैं वो इक्वली एक से प्रतीत होते हैं, एक से दिखाई देते हैं। दोनों सड़कों पर पत्ते गिरे हुए हैं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी व्यक्ति उन रास्तों पर से नहीं गया है, नहीं गुजरा है। यानी कि जो पत्ते गिरे हुए हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं, ये पत्ते यात्रियों के पाँव से उचले नहीं गए हैं, यानी कि वो वैसे के वैसे हैं। यानी कि इट मीन्स जो रास्ते हैं उस पे से कोई नहीं गुजरा है, वो तरोताज़ा दिखाई देते हैं। ओ आई कैप्ट दी फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो पोइट डिसीजन लेता है, पोइट महसूस करता है कि जो रास्ता उससे छूट गया है उसको अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो रास्ता छूट गया है उसको कभी अगले दिन उस पर से गुजरेगा, कभी अगले दिन उस पर जाएगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कम लोगों ने यात्रा की है, वो महसूस करता है कि किस प्रकार की जो सिचुएशन है वो उसके सामने दिखाई दे रही है। कुछ दूर चलने के बाद पोइट को संदेह होता है, पोइट को डाउट होता है कि वो दोबारा से वापस नहीं आ सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें समझना होता है कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसके परिणाम हमें भुगतने होते हैं, और एक बार हम आगे जब बढ़ जाते हैं तो पीछे आना बड़ा ही दुभर होता है, बड़ा ही जटिल होता है, हम वापस नहीं आ सकते। तो थर्ड स्टेंजे में जो हमने पढ़ा, जो समझा, वो ये है कि किस प्रकार से जो डिसीजन हम लेते हैं, जिस रास्ते पर हम जाते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमें भुगतने पड़ते हैं। और एक बार जो हमने कदम आगे बढ़ा दिया, फिर उसको पीछे हटाना बड़ा ही जटिल है। तो थर्ड स्टेंजे में हमने समझने की कोशिश की कि जो चॉइस हमारी थी, जो चूज हमने किया है, उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। आगे देखिए, इसमें जो थर्ड स्टेंजा में है, इसमें रेम बनेगी सेम जो फर्स्ट सेकंड में बनी, वो है ए बी ए बी। और इसमें एलिट्रेशन है जिसके बारे में पता चलता है कि यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट होती है। तो रिपीटेड जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जो रिपीटेड साउंड है वो यहाँ पर है फ। फ आप देख पा रहे हैं, फोर, ठीक है, फर्स्ट फ साउंड है, बार बार रिपीट हो रही है। तो जो कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होती है उसको हम अल्ट्रेशन बोलते हैं। आगे देखिए, जो लास्ट स्टेंजा हमारा रहेगा वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसमें जो चीज़ हमारे सामने आएगी वो हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद एस आई समवेयर एज एंड एज हेंस टू रोड्स डाइवर्ट्स इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। आई शैल बी टेलिंग दिस विद। कवि को दो रास्तों में से एक को चुनना था, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने यहाँ पर समझा। उसने एक रास्ता चुन लिया है, एक रास्ते पर वो आगे बढ़ गया है। तो यहाँ जो चीज़ हमें समझनी है, जो बातें क्लियर हो रही है, वो क्या है? शायद टू रोड्स डाइवर्ट्स इन ए वुड, ये जो लाइन है रिपीटेड लाइन है, फर्स्ट वाली स्टेंजे में भी हमने पढ़ा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एज एंड एज हेंस। इस सड़क पर कुछ दूरी पर चल चुक जाने के बाद संदेह करता है पोइट, यानी कि जो रास्ता उसने चूज किया है, जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ा है, उस पे जाने के बाद वो सहम जाता है, उसको असमंजस लगता है, उसको दुविधा होती है कि भाई जो रास्ता मैंने, जिस रास्ते पर मैंने कदम बढ़ाया, आगे बढ़ा हूँ, वो सही है या गलत, यानी कि उसके जो परिणाम है वो मेरे को भुगतने पड़ेंगे। अब वो सोचता है कि जो पहले वाला रास्ता है वो शायद बेस्ट होता है, जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ा है। तो ये डिलेमा होता है, द्विविधा होती है, हमारे लाइफ का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इसलिए कोई भी कार्य हम करें, बड़े सोच समझ करें, बड़े ठंडे माइंड से उस पर मंथन करें, चिंतन करें, तब हम उसके जो परिणाम है वो अच्छे से ले पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पोएम थी हमारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम थी, और पोइट ने सिंपल वे में हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। और ये जो पोएम है, इसका जो मैसेज है
वो बहुत ही गहरे अर्थ देता है, और इसके जो परिणाम हैं वो हमारे फ्यूचर के खुशी और दुख के ऊपर निर्भर करते हैं, जो डिसीजन हमने प्रीवियस टाइम में लिए हुए होते हैं। तो हो सकता है जो डिसीजन हम लेते हैं वो सही भी हो गलत भी हो, तो हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो हमने ऊपर भी पढ़ा, अब यहाँ एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। तो जो स्टेंजा 4 है उसमें जो रेम है वो सेम है, ए बी ए बी ए ए ए बी ए ए बी, तो ये हमें नोट करना है, ए बी ए ए बी, ठीक है। अल्टरेशन है इसमें एफ, जो इसमें रेपिटेशन है बार बार, ये जो लाइन है ये फर्स्ट स्टेंजा में भी आई और लास्ट स्टेंजा में भी आ रही है, और फोर्थ और फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें सिमिलरिटी भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो रेम है वो सेम है, ए बी ए बी, और रेपिटेशन भी है इसमें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।